हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम ये बनाएंगे सुंदर सा ब्यूटीफुल सा पैटर्न, जो देखने में जितना सुंदर है बनाने में उतना ही इजी है। हम जिन्होंने स्टार्ट किया है वो भी बहुत ही इजी वे में इसको बना सकते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आप इसको मैंने व्हाइट में बनाया है, कलरफुल धागे से भी बना सकते हैं। और इसको आप दुपट्टे के लिए तो ये बहुत चौड़ा हो जाएगा, लेकिन आप कुर्ते के फ्रंट में, दामन में या गले से लेके लेंथ वाइज नीचे लगा सकते हैं, स्लीव में लगा सकते हैं, पिलो कवर में, कुशन कवर में, और अपने अकॉर्डिंग आप जहाँ भी समझे वहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर इसकी विड्थ देखें तो, चौड़ाई देखें तो ये हमें लग रहा है शायद 2 से 2.5 2.5 इंच का चौड़ा है। और इसको बनाना हम चलिए स्टार्ट करते हैं। बनाने से पहले एक बात आपसे बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि हम और क्या मिलके बनाएं, और वीडियो को शेयर और लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें, बेल आइकॉन पर भी प्रेस करें, जिससे आपको पता चल जाए कि वीडियो नई आ गई है। आप फ्रेंड्स और ग्रुप रिलेटिव में इसको शेयर भी कीजिए। देखिए इसको बनाने के लिए, इसकी जो चौड़ाई है इसके लिए मैंने 23 चेन्स बनाई हैं, 23 चेन्स बनाई हैं। और जैसा कि सभी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए हम इस तरह से ऐसे स्लिप नॉट लगाते हैं, तो स्लिप नॉट लगा के, और हम ये देखिए स्लिप नॉट लग गई। और इसके बाद हम 1 2 3 इसी तरह से हम 23 चेन्स बना लेते हैं। ये हमारी बिल्कुल स्टार्टिंग रो है, तो 23 चेन बना के देखते हैं। तो लीजिए बन गई हमारी ये 23 चेन्स। और 23 चेन्स देखिए इस तरह से सिंपल चेन बन गई। इसको बनाने के बाद हम बनाएंगे अपनी सेकेंड रो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अपनी फर्स्ट रो जो है थोड़ा सा लूज बनाइए, जिससे हुक इंसर्ट करने में आसानी हो, उसके साथ बहुत मशक्कत ना करनी पड़े। तो देखिए पहली चेन फर्स्ट रो हमने 23 चेन्स की बना ली। उसके बाद हम ये पहली वाली चेन स्किप कर देंगे, और जो हुक के बाद जो हमारी ये पहली चेन है इसको छोड़ देंगे, और सेकंड वाले के अंदर हुक को डालेंगे, और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया में धागा ऐसे नहीं लेना है, नहीं लेना है। और उसके बाद ईच चेन में हुक को इंसर्ट करते हुए हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो ये हम एंड तक हमारी 23 चेन थी, एक हमने छोड़ दी तो हमारे पास बची 22 चेन। तो लास्ट तक हमारे पास 22 सिंगल क्रोशिया बन के रेडी हो जाएंगी। तो चलिए बनाते हैं 22 सिंगल क्रोशिया। तो लीजिए 22 सिंगल क्रोशियो की सेकेंड रो हमारी बनके तैयार हो गई। बेसिकली वे फर्स्ट रो ही है, फर्स्ट रो बनके तैयार हो गई। अब यहाँ पे हमें रिटर्निंग चेन बनानी है, 1 2 एंड 3। तीन चेन हमने बना के इस पीस को ऐसे पलट लेना है, और जहाँ पे हमने ये चेन बनाई थी सेम बिल्कुल फर्स्ट वाली स्टिच में ही हमें दो डबल क्रोशिया बनानी है, 1 एंड 2। ये जो 3 रिटर्निंग चेन थी ये भी एज ए डबल क्रोशिया ही काउंट होगी। तो इस तरह से हमारे पास ये 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके बाद बीच में एक चेन बना लेंगे, और सेम उसी चेन स्पेस में हमें 3 डबल क्रोशिया 1 2 एंड 3, 3 डबल क्रोशिया हमने बना ली। ये बिल्कुल फर्स्ट वाला शेल हमारा बन के तैयार हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है 3 डबल क्रोशिया हमें स्किप कर देनी है। हमें 3 जो ये नीचे वाली फाउंडेशन वाली थी सिंगल क्रोशिया है, 1 2 एंड 3 3 स्किप कर देनी है। फोर्थ वाली में हमें हुक को इंसर्ट करना है, ये देखिए, और 1 डबल क्रोशिया बना देनी है, 1, और उसके नेक्स्ट वाली में, ये देखिए, उसके नेक्स्ट वाली में भी 1 डबल क्रोशिया हम बना देंगे। ये देखिए इस तरह से 3 सिंगल क्रोशिया हमने स्किप की, और उसके बाद फोर्थ वाली में 1 डबल क्रोशिया बनाई, और बिल्कुल उसके नेक्स्ट वाली चेन में भी 1 डबल क्रोशिया हमने बना दी। फिर हम 1 एंड 2 2 चेन बनाएंगे, और ये 1 2 दो सिंगल क्रोशिया को हम स्किप कर देंगे, और थर्ड वाली में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 डबल क्रोशिया हमने बना दी, ये इस तरह से थर्ड वाली में हमने 1 डबल क्रोशिया बना दी। फिर एक चेन लेंगे, और हम 1 2 3 नीचे वाली रो की 1 2 3 3 सिंगल क्रोशिया हम छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, और फोर्थ वाली में, ये फोर्थ वाली चेन में हुक को घुसाएंगे, और 3 डबल क्रोशिए का एक क्लस्टर बनाएंगे, मतलब 3 डबल क्रोशियों को एक साथ घटाएंगे। देखिए ये 3 डबल, ये 3 धागे हैं, 3 का 2 किया,
और इसे हम फिनिश नहीं करेंगे। और सेम उसी चेन में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, दो का एक करेंगे, इसे फिनिश नहीं करेंगे, फिर एक और, दो का एक किया, और ये इस तरह से हमारे पास तीन डबल क्रोशिया और एक धागा पहले का, फोर लूप्स हो गए। इन फोर को एक साथ हम घटा देंगे और फिर दो चेन लेंगे, वन एंड टू, सेम उसी में तीन डबल क्रोशिया का एक क्लस्टर और बनाएंगे, एक, ये दो और एक ये तीन, चार लूप्स आपको दिख रहे हैं और इन चारों को एक कर देंगे, चार का एक कर दिया हमने। फिर उसके बाद एक चेन बनाएंगे और तीन डबल क्रोशिया को हम स्किप कर देंगे और फोर्थ वाली में एक डीसी बनाएंगे, एक दो, हमें कितनी स्किप करनी है, एक चेन बनाने के बाद थ्री सिंगल क्रोशिया, एक चेन हमने बना ली क्लस्टर के बाद, फिर एक दो तीन की, फोर्थ वाले में हमने एक डबल क्रोशिया बनाई, एक, और उसके नेक्स्ट वाली में भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये दूसरी डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद हम थ्री सिंगल क्रोशिया स्किप कर देंगे, एक दो तीन, देखिए एक दो तीन स्किप कर दी, और बिल्कुल लास्ट ये फोर्थ वाली में हम एक शेल, जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया था, लास्ट वाले सिंगल क्रोशिया के अंदर हुक को इंसर्ट करके सेम चेन स्पेस में तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये दो और ये तीन, ये देखिए ये तीन डबल क्रोशिया बन गई, फिर बीच में एक चेन बनाएंगे और सेम उसी स्पेस में हम थ्री डबल क्रोशिया, वन, ये टू और ये थ्री, ये हमारी तीन डबल क्रोशिया बन गई। अब हमारी फर्स्ट रो का लुक कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी जो है थर्ड रो आएगी, फर्स्ट तो हमारी सिंगल क्रोशे वाली थी, ये सेकंड थी, थर्ड आएगी। थर्ड वाले में हमने पीस को पलट लिया और पहली वाली सिंगल क्रोशे के टॉप में हुक को इंसर्ट किया और ये देखिए ये जो पहली वाली सिंगल क्रोशिया सेकंड वाली है उसके टॉप में हुक को इंसर्ट किया, सिंगल स्लिप स्टिच कर लिया, फिर सेकंड वाली में के टॉप में हुक को इंसर्ट किया, ये इस तरह से, ये और ये देखिए ये बिल्कुल टॉप पे, और दूसरी सिंगल स्लिप स्टिच से कर लिया, और जो ये एक चेन का स्पेस था ये शेल के बीच वाली जगह, इसमें भी सिंगल क्रोश स्लिप स्टिच कर लेंगे, तो तीन स्लिप स्टिच हो गई। अब हम ये बिल्कुल सेंटर में आ गए, यहाँ पे हम वन टू थ्री तीन चेन बनाएंगे और ये चेन वन वाले स्पेस में इसी तरह से शेल बना लेंगे, एक, और ये जो तीन चेन थी ये एज ए डबल क्रोशिया है, तो एक दो, दो डबल क्रोशिया बनाई और एक ये चेन, हमारी तीन डबल क्रोशिया हो गई, फिर एक चेन और सेम उसी स्पेस में हम वन टू और ये थ्री, ये हमारा दूसरा शेल बन गया, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद हमें क्या करना है, एक चेन लेंगे, ये देखिए, इसके बाद हमें, ये देखिए हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हमें कोई चेन नहीं लेनी है और जो डबल क्रोशिया नीचे वाले राउंड में बनी है डबल क्रोशिया के ऊपर हमें डबल क्रोशिया ही बना देना है, तो दो डबल क्रोशिया बनी थी नीचे वाले राउंड में तो दोनों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया हम बना देंगे। ये हमारा थर्ड राउंड है और यही राउंड एंड तक चलने वाला है, ये दो डबल क्रोशिया हो गई, फिर उसके बाद हम दो चेन बनाएंगे, एक और एक ये दो, और जो ये हमने पहले वाले रो में क्लस्टर बनाया था इसके बीच में जो दो चेन बनाई थी इस दो चेन के स्पेस में ऐसे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना देंगे, ये हमारी एक डबल क्रोशिया हो गई, ये फिर
इसके बाद हम एक चेन लेंगे और ये जो उसके पहले वाले राउंड में नीचे ये एक डबल क्रोशिया है इसके टॉप में हुक को इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे हम तीन डबल क्रोशियों का क्लस्टर बनाएंगे। देखिए तीन तीन का दो करेंगे, इसे पूरा फिनिश नहीं करेंगे, फिर चेन उसी जो ये चीज़ हमने पहले बनाई थी वो उसको यहाँ बनाएंगे, फिर दो, फिर सेम में तीन। अब हमारे हुक पे कितने था आपको फोर लूप्स दिख रहे हैं, फोर को एक साथ घटा देंगे, फिर इनके बीच में वन एंड टू टू चेन्स लेंगे, सेम उसी स्पेस में फिर थ्री डबल क्रोशे का एक क्लस्टर बनाएंगे। ये देखिए तीन तीन का दो करेंगे, फिनिश नहीं करेंगे, फिर उसी में ये लिखिए दो का एक करेंगे, फिनिश नहीं करेंगे, फिर ये तीसरी डबल क्रोशिया दो का एक करेंगे और इसे फिनिश नहीं करेंगे। अब चार लूप्स हैं, फोर लूप्स को एक साथ घटा देंगे। तो ये हमारी हो गई दूसरा क्लस्टर। ये देखिए ये इस तरह से दिखाई देगा। फिर यहाँ पे हम चेन लेंगे, एक चेन लेंगे और जो ये नीचे वाले राउंड में दो डीसी हैं डबल क्रोशिया हैं इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, दूसरी वाली के ऊपर भी दूसरी डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद हम यहाँ पे ये जो शेल है लास्ट वाला इसके चेन स्पेस में हम एक, ये जो एक चेन का स्पेस है इसके बीच में हुक लगा के तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे स्टार्टिंग बनाया था, दो तीन और एक चेन, थ्री डबल क्रोशिया एक चेन, फिर सेम स्पेस में ही थ्री डबल क्रोशिया, वन टू और ये थ्री थ्री डबल क्रोशिया। अब हमारा ये थर्ड राउंड है जो ये इस तरह, यही जो हमारी थर्ड रो है यही हमारी अपनी रिक्वायर्ड लेंथ तक रिपीट होता रहेगा। अब बस इसको देखिए हम ऐसे पलट लेंगे, फर्स्ट वाली नहीं सेकंड वाली डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे क्योंकि हमें बीच में पहुंचना है इसलिए स्लिप स्टिच करेंगे। एक स्लिप स्टिच ये दूसरी वाली डबल क्रोशिया के टॉप पे हुक को इंसर्ट करेंगे, ये हमारी दूसरी स्लिप स्टिच और ये सेंटर में जो एक चेन का स्पेस है इसमें भी एक स्लिप स्टिच करेंगे। तीन स्लिप स्टिच करने के बाद फिर हम वन टू थ्री थ्री चेन लेंगे और इसी चेन स्पेस में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन एंड टू, क्योंकि जो तीन चेन थी वो भी एज ए डबल क्रोशिया काउंट होगी। तो इस तरह से हमारी तीन डबल क्रोशिया हो गई, फिर एक चेन, फिर एक दो और ये तीन, ये हमारी तीन डबल क्रोशियों का छह डबल क्रोशियों का एक शेल बन गया। इसके बाद फिर कोई चेन नहीं लेनी है और जो नीचे वाली डबल क्रोशिया दो डबल क्रोशिया है उनके ऊपर दो डबल क्रोशिया बनानी जानी है। बस यही थर्ड रो जो है यही हमारी एंड तक रिपीट होती रहेगी। ये दो, फिर ये जो क्लस्टर के बीच में यहाँ हम दो चेन बना देंगे, ये जो पहले वाला क्लस्टर दो चेन की स्पेस है इसके बीच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर उसके बाद ये देखिए उसके बाद क्लस्टर के बीच में एक डबल क्रोशिया बना देंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और जो ये डबल क्रोशिया है इसके टॉप में तीन डबल क्रोशियों का दो दो और ये तीन तीन डबल क्रोशिया, चार लूप्स हैं चारों को एक साथ घटा देंगे, तीन डबल क्रोशिये का एक क्लस्टर बनाएंगे, फिर इसके बीच में वन टू दो चेन लेंगे, फिर सेम उसी चेन स्पेस में तीन डबल क्रोशिये का देखिए एक दो और तीन तीन और चार लूप्स हो गए, चारों को एक साथ घटा देंगे, ये क्लस्टर बन गया हमारा। और फिर उसके बाद क्लस्टर बनाने के बाद हम एक चेन लेंगे और इन डबल क्रोशियों के ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे और ये जो चेन स्पेस है इसमें तीन डबल क्रोशिया एक चेन फिर तीन डबल क्रोशिया शेल बनाएंगे और फिर उसी तरह से पलट के तीन स्लिप स्टिच करेंगे और जैसे हमने ये वाला पैटर्न बनाया उसी तरह से इस थर्ड रो को रिपीट करते हुए हम अपनी रिक्वायर्ड लेंथ पूरी कर लेंगे। तो है ना सिंपल और सुंदर।
तो चलिए मिलके बनाते हैं ये ब्यूटीफुल सा सुंदर इजी क्रोचेट लेस। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्लीज़ एंजॉय क्रोचेटिंग। थैंक यू।